अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मोहन, दिस इज़ शहरोज़। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। और आज मेरा पेपर है, कल भी था, कल भी पेपर बहुत अच्छा हुआ था। चल झूठा। और उम्मीद करता हूँ उसकी तरह आज का भी पेपर मेरा बड़ा अच्छा होगा। कल सारी रात पढ़ते रहे हैं, कंट्रोल कंट्रोल, थोड़ा सा सोए हैं सुबह और अब सुबह उठे हैं। मौसम अचानक से बदल चुका है, मौसम हल्का हल्का सा जो है ठंडा ठंडा हो गया है, धूप नहीं निकली आज और टेम्परेचर भी अराउंड 10 चल रहा है। और देखें, अब कुछ पहन के नहीं जा रहे ऊपर, कोई अपर वगैरह, तो अब क्या बनता है अपना। हाँ ठीक है, क्योंकि लुवन में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी मेरी मैकलन में है और इट्स अबाउट 25 मिनट्स ट्रेन फ्रॉम लुवन टू मैकलन। आते हैं फिर आपको थोड़ा सा मैकलन घुमाते फिर आते हैं। बस हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी अभी अपने हरून साहब को याद आया कि उनका जो अब उनके बोनोमेंट है, उनका कार्ड है। हम सबका ना कार्ड बनते हैं, स्टूडेंट्स कार्ड बनते हैं इस तरह के ट्रेन के, बस इसके हम इसके अंदर रिचार्ज करवा लेते हैं। तो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सिटीज़ के, किसी का 30 यूरो में होता है, किसी का 40 में होता है। तो अब हरून भाई आपको बताएंगे कि हाउ टू रिचार्ज योर कार्ड। अब हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा तो लग ही गया 40 मिनट हमें, तो यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। ये भी हमारा इस तरफ यूनिवर्सिटी का कैंपस है, द वेस्ट, ये वाला द हैम है और तीसरा एक उस तरफ है, थोड़ा सा दूर है। तो आज हमारा पेपर है, मगर पेपर में अभी थोड़ा सा टाइम है तो सोचा कैफेटेरिया में बैठ लिया जाए, थोड़ी देर शुगर मेला लगा लिया जाए। मैं अब दिखाता हूँ अपना कैफेटेरिया, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही बेहतरीन इन्होंने बनाया हुआ है। सो गाइस, हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और एग्जाम में भी थोड़ा सा टाइम था, तकरीबन आधा घंटा था, तो हमने सोचा कि कैफेटेरिया थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो आपको मैं अप्रूवर करवाता हूं अपने कैफेटेरिया का। देखें, हम यहां पे मैकलन में, हमारे दरअसल तीन कैंपस हैं और ये जो दिहैम है ये ज़रा एक आप कह सकते हैं ज़्यादा मॉडर्न और नया, और मैं आपको इसका कैफेटेरिया चेक करवाते हैं। देखो गाइस, अपना ये सारा कैफेटेरिया है और ये अपने राजे हैं, रही ने रूम साहब, तुलसी ब्यूटी तो दिखाओ कहाँ से फ्रेश कर रहा है तुम आज। तो जी अरुण साहब, कैसी तैयारी है पेपर की? तैयारी कह ले 70% है, रात को मैंने पढ़ा था, होप सो हमारा पेपर अच्छा हो जाए। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, वही ना, हार भी मुश्किल है, दुख सह भी नहीं सकते, मजबूर है, उपला कुछ कह भी जालम दिया बच्चा बस कर। तो मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है, मैं अब जा रहा हूँ अपने क्लासरूम की तरफ, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी क्लास है T2.09।
Little later. Much later. Much, much later. Much, much later. Much, much, much later. हाँ जी अरुण साहब, कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ है। सही दस भाई, कैसे हुआ पेपर बता, कैसा हुआ पेपर? मेरा नाम प्रथम, कैसा हुआ पेपर? प्रथम तेरा मुंह कुछ और बता रहा है, ये क्या होता है? मतलब ये स्वैग है और मुंह का हालत आपको पता है। ये टिपिकल यूरोपियन गर्लियां हैं अपनी, जैसे साड़ियां होते पाकिस्तान में होता है ना, वो क्या उसको कहते हैं, ईंटों की होती हैं। यहाँ पे ये टिपिकल जरा ये चलती रहती हैं, पता नहीं कितने सौ साल पुराना ये चल रहा है। पीछे उन्होंने शोर डाला हुआ है पेपरों का, यार पेपर दे दिया, अच्छा हो गया, नहीं अच्छा हुआ बात ख़त्म करो। अब हर चीज़ में से कीड़े निकालेंगे, वो तूने उदाया किता है, वो थे है फलाना डेसिमल सी, वो थे फलां सी फलां, अजीब है ब्रो, हमसे तो नहीं होता। तो गाइस अब हम मैकलन आ चुके हैं, पेपर वगैरह दे लिया है, सेंटर में आ चुके हैं मैकलन के। पेपर सबका बहुत ही, सबका अच्छा हुआ है, किसी का अच्छा हुआ है, किसी का नहीं अच्छा हुआ। किसी ने कहा है कि यार बस पास तो हो ही जाऊँगा, इतना तो मैं कर ही आया हूँ। तो अब मुझे नहीं पता, अब आपको पता मेरी तो हमेशा से यही है रही है कि मेरा तो हर काम ही दुआओं से होता रहा है, तो आपसे दुआओं की अपील है, दुआएँ करके स्वाब इधर हासिल करें। और अब मैं फिलवक्त आया हूँ अंदरून ने लाहौर, अंदरून ने मैकलन, और ये मैकलन का सेंटर में है। यहाँ पे मैं आपको उसका सारा टूर करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ की रोड यहाँ की गलियाँ। तो ये अपने मैकलन की गलियां हैं, ये सेंट्रम की तरफ ये रोड जाता है, गलियां तो बस मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये सेंट्रम की तरफ रोड जाता है। देखें वही पुराना, मेरा ख्याल है पता नहीं कितने सौ साल पुराना पत्थर होगा, वही आज भी आज ही लगा हुआ है इसको, मतलब चेंज नहीं उन्होंने किया, करने को कर सकते हैं मगर नहीं करते, वो इसको संभाल के रखते हैं। अब ये इनका चर्च है, अब आपको घंटियों की ये बेल्स की आवाज़ आ रही होगी, आई थिंक सो ये इनका कोई रिलीजियस को मैटर होता है, मैं मुझे नहीं पता क्या उसको कहते हैं, ये क्यों ये घंटियाँ बजती रहती हैं, बाकी ये बड़ा अच्छा लगता है। हाँ मैकलन है, ये इनका सेंट्रम है। अब यहाँ पे हर सिटी का एक मज़ा ये है कि हर सिटी का एक अपना वो होता है, एक सेंट्रम होता है, जैसे जिस तरह ये खुली जगह है, ये सेंटर है सिटी का। तो यहाँ पे ये इनके सारे बार्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े होते हैं, यहाँ पे इनके मुख्तलिफ़ किस्म के वो चलते रहते हैं, फंक्शंस वगैरह चलते ही रहते हैं। इनके घंटियों की जो आवाज़ें आ रही हैं ये इस टावर से आ रही हैं, और ये बहुत ही ऊंचा टावर है, यहाँ से छोटा सा लग रहा है। मैं गया था एक दफ़ा, आज से एक दो महीना पहले या इससे भी पहले की बात है, मैं ऊपर गया था तो ऊपर से सारा मैकलन नज़र आता है, यहाँ तक कि ब्रसल्स की भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आती हैं, और बड़ी ही खूबसूरत जगह है ये। कहना क्या चाहते हो? तू बता दे क्या कह रहा था, क्या बैंक में कह रहा था ये? मेरी बात सुनो, व्हाट इज दिस ब्रो, आई एम हियर टू कलेक्ट माय कार्ड बिफोर आई लॉस्ट माय कार्ड, व्हाट इज दिस ब्रो, आई फॉरगॉट टू सेव बिकॉज़ तेरी मिस्टेक ने बस है, तेरी मिस्टेक ने मामा, लोगों की मिस्टेक नहीं होती। भाई जी बैंक का काम तो ख़त्म कर रहे हैं, अब हम नफीस के साथ, प्रथम के साथ, उस्मान और हरून के साथ पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। तो मौसम देखें बड़ा मज़े का हुआ पड़ा है यहाँ पे, मतलब चस आ रही है आजकल तो। अब ये देखें यहाँ पे ये मुजस्मा बनाया, आई डोंट नो कि किस चीज़ का है, और अगर यकीनन ये पाकिस्तान में होता ना, पाकिस्तान में होता तो इसके पीछे कहानियाँ कुछ इस तरह की होनी थी कि या दो कुड़ी मुंडा गले मिलते सन पे, तो कुड़ी दे अबेरा ने वेख लिया, अबेरी दम दरूद करते सन, उन्ना बस घूड़ी पाई तो वह दोवें इतें पत्थर हो गए। तो इधर चंदे का एक गला लगा होना था, चंदा चल रहा होना था, और यहाँ पर लंबी लंबी सी लाइनें लगी होनी थी। बाकी पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, इनके क्यों नहीं कोई पत्थर होते। बात ये हुई कि मैं बैंक जिस काम के लिए गया था वो काम तो हुआ नहीं, क्योंकि मेरा बैग पता नहीं कहीं पे घूम गया था, गिर गया था, उसमें मेरा सारा रेजिडेंसी कार्ड सारा कुछ। हाँ आई थिंक वो है।
यही बड़ा शुक्र है, इसमें सारा मेरा लैपटॉप, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक कार्ड, सारा कार्ड छोड़िए भाई। तो ये दिस वन, तो भाई बैग मिल गया हमें और रोथम भाई का मुंह बन चुका था, परेशान हो गए थे क्योंकि बैग तो मेरा घुमा था मगर मैं पकड़ा के इनको गया था और मुझे भी नहीं लेना इनसे याद रहा, और भाई भी वहाँ पे रख के तो अल्लाह हाफिज़। तो अब मिल गया है रोथम का, तब से मुंह बना था, अब ज़रा हंस रहा है। रोथम खुश हो आप, ब्यूटी दिखाओ ज़रा, खुशी में ब्यूटी दिखाओ, क्या बात है, पिल्ले नहीं करना ब्यूटी दिखाओ। मुझे तो इतना आता है भाई, इससे ज़्यादा नहीं आता है। रोथम अपने बांग्लादेशी इंडियन भाई हैं, बांग्लादेशी भी हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी, अब हमारे साथ रह के पाकिस्तानी भी हैं, तो पूरी समझ रहे हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि आपने देखी, मेरा आज का दिन जो कि आपने देखा कि कैसा गुजरा, बहुत हेक्टिक था, बहुत बिजी था, टेंशन वाला था। मैं यूनिवर्सिटी से घर आया, घर आके मैंने थोड़ी देर ही सिर्फ वो की क्या उसको कहते हैं, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर मेरी जॉब थी, 4:30 की मेरी शिफ्ट थी, मैं शिफ्ट पे गया, अब वहाँ से वापस आया हूँ, भूख से मेरी जान निकल रही है, सुबह का कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक हैम बर्गर खा के सारा दिन गुजार दिया, और अभी भी घर जाना है, घर तो पहुँच गया हूँ मैं, कुछ बनाना है, दरवाजे पे वेट कर रहे हैं अपने राजा हरून साहब फ्रॉम पिंडी, बेल पे बेल दे जा रहा हूँ मगर वो सोए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पुत्र नहीं आज नहीं मैं उठना, तो अब देखते हैं राजा साहब का कुछ करते हैं, उनको उठाते हैं, ऊपर तो जाना है। तो गाइस, अब पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि भाई तरला ना करवाओ, थोड़ी मेहरबानी, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, बाकी नहीं भाई, तरले के बगैर तो काम नहीं चलेगा, इधर तो तरला करना पड़ेगा भाई, थोड़ी मेहरबानी है, कर दो लाइक कमेंट शेयर, और साथ में एक छोटी सी टल्ली बनी होगी, घंटी सी, बेल सी, उसको टर्न करके बजा दें ताकि मेरी जो नई वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे, और इस और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे पता है, आई नो इट्स, बाकी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, और बस कुछ नहीं, सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा।